आपको दिखाएंगे एग्री जोन का रोटावेटर, जो कि GSC इंडस्ट्रीज का है। इन्हों के जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्प्लीमेंट्स हैं वो सब एग्री जोन के नाम से आते हैं। हमारे पास 6 से लेकर 7-8-9 फिट तक का रोटावेटर अवेलेबल है फिलहाल, इधर स्टॉक रखा है। और आज हम आपको जानकारी देंगे 6 फिट रोटावेटर की। ये हमारा 6 फिट का रोटावेटर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टॉप फ्रेम की, जहाँ हमारी ट्रैक्टर की टॉप लिंक लगती है। ये हमारा 10 mm की चादर के अंदर बना हुआ है। और इस कंपनी सबसे अच्छी बात है कि सभी कंपनियाँ 6 फिट में छोटा टॉप फ्रेम देती हैं एंगल वाला, पर इन्होंने अपना 6 में भी वही दिया, 7 में भी वही दिया, 8 में भी वही दिया। ये टॉप फ्रेम आगे से लेके पीछे तक है फुल सपोर्ट के साथ, और बीच में भी इन्होंने सपोर्ट दी हुई है। जहाँ हमारी टोपलिंग की पिन लगती है, यहाँ इन्होंने बोस लगाई दी है ताकि टोपलिंग लूज होने के बाद हिले ना, हिलने के बाद ये लूज ना रहे। और अब बात कर लेते हैं इसके ब्लेड की। आपने तायो का नाम सुना होगा, पर आज तक तायो का ब्लेड देखा नहीं होगा। हमने भी आज पहली बार ही देखा है तायो का ब्लेड। इस कंपनी ने तायो का ब्लेड यूज़ किया हुआ है, जो कि सबसे महंगा ब्लेड आता है और सबसे अच्छा ब्लेड है। इस कंपनी से ऊपर किसी भी कंपनी का ब्लेड नहीं आता। इस कंपनी की सबसे खास बात है, इस कंपनी 95% मैन्युफैक्चरिंग खुद की है। इसका गियर बक्सा भी ये खुद का है, GSC का। ये कंपनी अब से 30-35 साल से काम कर रही है अपने इंडिया के अंदर। इस कंपनी का जो भी हिंदुस्तान के अंदर 95% डीजल की गाड़ियाँ होती हैं उसका रिंग लगा हुआ होता है। जो भी आपकी 2 लाख से लेकर 1-2 करोड़ तक की जो भी आपको डीजल की गाड़ी मिलेगी, 95% इस कंपनी का आपको रिंग लगा हुआ मिलेगा, GSC का। और इन्होंने अभी 3-4 साल से अपने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में अपने पैर पसा रहे हैं। और इन्होंने अपना रोटावेटर है, जो भी मल्चर वगैरह, सुपर सीडर वगैरह, सभी अपने एग्री जोन के नाम से निकाले हैं। और पीछे भी 4 स्प्रिंग दी हुई हैं। सभी कंपनी 6 फिट के रोटर में 2 स्प्रिंग देती हैं और हैवी पटरा दिया हुआ है। और अच्छे बैरिंग, अच्छे कंपनी के बैरिंग यूज़ किए हुए हैं बड़े। और सभी कंपनी 76 mm का पाइप यूज करती हैं, 6 फिट में भी, 7 फिट में भी, 8 फिट में। इन्होंने 6 फिट में भी 90 mm का पाइप यूज किया हुआ है। और इस कंपनी से ज़्यादा किसी भी कंपनी के रोटावेटर के अंदर आपको वेट नहीं मिलेगा। और जो मेन गियर बॉक्स होता है, इसमें सभी कंपनियाँ 3.5 लीटर CL देती हैं, इसमें 4 लीटर CL है। और टोटल वाटर प्रूफ है, आप धान वगैरह में चलाएं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, टोटल वाटर प्रूफ है। इधर भी बड़ा बैरिंग दिया हुआ है, इधर भी CL पे है। और ये लिंक का दिया हुआ है, ये एडजस्टेबल कर सकते हैं आप अपने लिंक के हिसाब से, नट लूज करके इधर से उधर कर सकते हैं। और ये भी सपोर्ट दी हुई है, अगर आप फ्यूचर के अंदर सुपर सीटर लगाना चाहते हैं तो आप सुपर सीटर भी लगा सकते हैं। ये ऑप्शन दिया हुआ है अलग से, इधर भी दिया, दोनों तरफ ऑप्शन दिया हुआ है। और लेजर कटिंग के साथ है, सब्सिडी के अंदर पास है। अगर गवर्नमेंट बजट देगी तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी। चेक करो आप एक बार। और पाउडर कोटेड पेंट के साथ है। ये वो पेंट नहीं है कि गन के अंदर पेंट भरा और मार दिए, पाउडर कोटेड पेंट है जो कि ट्रैक्टर पे आता है। और कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।